तो देख सकते हैं यह है भक्तिपथ। भक्तिपथ मार्ग पर इस टाइम हम लोग हैं और भक्तिपथ बिल्कुल आप आएंगे तो बिल्कुल चेंज हो चुका है पहले की अयोध्या। पहले किस तरीके से अयोध्या दिखाई देती थी लेकिन अब किस तरीके से दिखाई देती है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ एक ही कलर के एक ही डिजाइन में ये भक्तिपथ कर दिया गया है। और मैं बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं सेम कलर से और सेम पेंटिंग है उसे एम एक ही लोगो दिया गया है। आप देख सकते हैं अयोध्या में आपका स्वागत है। बाकी जिसकी जो दुकान है यहाँ पे खाली नाम यहाँ पे चेंज हुआ है और सारी दुकानें एक ही कलर की एक ही टाइप की दुकान पूरी यहाँ से भक्तिपथ जितना भक्तिपथ जितने में ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको भक्तिपथ सेम एक ही कलर में भक्तिपथ को पहले से अब परिवर्तित कर दिया गया है। ये भक्तिपथ श्री महाबली हनुमान जी के दरबार को ले जाएगा यानी हनुमानगढ़ी ले जाएगा। आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी ये मंदिर तो यहाँ से नहीं दिखाई दे रही है ऊपर आपको जो ऊपर टीला है वो दिखाई दे रहा है। बाकी भक्तिपथ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और ले चल के आगे का मैं अपडेट देता हूँ भक्तिपथ का कैसे क्या हो गया है। आप देख सकते हैं भक्तिपथ की जो रोडें हैं बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। साफ़ सफाई में इतने यहाँ पे जो साफ़ सफाई का काम है बिल्कुल क्लीन हो हुआ है बिल्कुल क्लीन एकदम माने तो एकदम साफ़ सुथरा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद की दुकान है एक साइड है इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको लेना है वो एक साइड में लगाई गई है तो यानी राइट साइड में सारी दुकानें आपको लेन देन के लाइन मतलब जो भी आप ख़रीद रहे हैं और प्रसाद की दुकानें हैं इस साइड आपको प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों मैं हनुमानगढ़ी भी प्रभु श्री हनुमान जी के दरबार में पहुंचने ही वाला हूं। तो मैं रवि शुक्ला अयोध्या से मैं अपनी बात करूं तो मैं प्रॉपर अयोध्या से हूं और आप देख सकते हैं मैं हनुमानगढ़ी यानी भक्तिपथ का अपडेट दे रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर भक्तिपथ है दिखाई देता है। और मैं अपने चैनल का बात करूँ तो मेरे चैनल का नाम है रवि शुक्ला UP42। आप कभी भी सर्च करेंगे UP42 रवि शुक्ला UP42 करके तो सर्वप्रथम मेरा ही चैनल आएगा क्योंकि जितने भी मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी हिंदू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मुल्लों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ये भक्तिपथ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे का अपडेट आपको देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सीवर का काम अभी चल रहा है अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वही सीवर का काम चल रहा है और फाइबर का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैं बिल्कुल हनुमानगढ़ी आ चुका हूँ महाबली सरकार हनुमान जी के दरबार में। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और इस कलर की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पूरा एक ही कलर में कर दिया गया है यहाँ पे। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ हनुमानगढ़ी यानी महाबली सरकार हनुमान जी के दरबार में। आप देख सकते हैं वहाँ से चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ेगा उसके बाद महाबली सरकार का दर्शन होगा। मैं नीचे का व्यू दिखा दूं एक बार इस साइड का व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इस साइड का कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं बर्जन में खड़ा हूं महाबली सरकार के द्वार पे यानी जस्ट सामने हनुमानगढ़ी के जस्ट सामने। और यहां पे एक बार आप देख सकते हैं दुकानें कुछ इस तरीके से दुकानें यहां पे लगाई गई हैं। दुकानों को एक कलर में परिवर्तित कर दिया गया है पहले की अपेक्षा। दोस्तों यहाँ की मैं बात करूँ तो अभी भक्तिपथ पे थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं ये सीवर का काम हो रहा है यहाँ पे नीचे नाला है। और यहाँ पे गुम्बद की मैं बात करूँ जो ये इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं आज रात में ये काफ़ी प्रकाश होते हैं काफ़ी ऊर्जा के साथ ये जलते हैं। आप इस साइड कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है कोई काम हो रहा है कुछ बनने ही वाला होगा। बाकी मैं अब चलते हैं दोस्तों बाकी मैं अब चलता हूँ हनुमानगढ़ी और महाबली सरकार का आपको दर्शन करवाता हूँ। नीचे से मैंने व्यू दिखा दिया आपको कैसे दिखाई देता है और ऊपर से आपको ले चल के अगर ऊपर मुझे चढ़ने को मिलेगा यानी टॉप फ्लोर पे जाने को मिलेगा हनुमानगढ़ी के ऊपर एक स्थान है वहाँ जाने को मिलेगा तो वहाँ से पूरी अयोध्या का मैं आपको व्यू दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए चलते हैं महाबली सरकार के दरबार और आपको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों मैं अब ऊपर की ओर जा रहा हूं आप देख सकते हैं महाबली सरकार के दरबार में और ऊपर ले चल के आपको दर्शन करवाते हैं हनुमानगढ़ी यानी प्रभु श्री हनुमान जी का।
आइए चलते हैं और ऊपर। दोस्तों देख सकते हैं मैंने महाबली सरकार का आपको दर्शन करवा दिया और हमारे महाबली सरकार का महल इस तरीके से दिखाई देता है। देख सकते हैं आप कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, जो कि मैं बता दूँ टाइमिंग ओवर हो चुका है, लगभग 3 से 4 बजने का टाइमिंग है, फिर भी लोग। तो आइए चलते हैं अब ऊपर से आपको एक बार व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। पूरी अयोध्या यहाँ से दिखाई दे रही, देख सकते हैं दोस्तों ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है भक्ति पथ, यहीं से अभी हम लोग आए हैं, ये है भक्ति पथ। यहाँ से पूरी अयोध्या का आप अपडेट ले सकते हैं, यानी पूरी अयोध्या को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी अयोध्या यहाँ से दिखाई देती है, इतने ऊपर हम लोग आ चुके हैं, यानी हमारे महाबली सरकार हनुमानगढ़िया हनुमान जी का दरबार इतने ऊपर है कि हम पूरी अयोध्या का ब्यौरा ले सकते हैं। ये हमारे महाबली सरकार का दरबार है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और यहाँ पे साइड में इस तरीके से दिखाई देता है। और ख़ासकर एक मैं बात बता दूँ तो हमारे महाबली सरकार यानी हनुमानगढ़ी पे यहाँ पे एंट्री गेट था, एग्जिट गेट नहीं था, स्वयं उसी गेट से पुनः वापसी जाना पड़ता था और जो भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते थे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था श्रद्धालु को, तो इसीलिए सरकार ने उसको मद्देनज़र रखते हुए एक एग्जिट गेट का पुनः निर्माण कराया जा रहा है, उसका काम शुरू हो चुका है। आइए अभी उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, यानी निकासी द्वार बनाया जा रहा है, उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसके पीछे साइड में है, आइए वहाँ पे ले चल के आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कहाँ पे इसका काम निकासी द्वार का शुरू हो चुका है, यानी कुछ ही दिनों में बनके कंप्लीट होने ही वाला है। तो आइए चलते हैं आपको दिखाते हैं, आप तक अपडेट पहुँचाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यही वो जगह है हनुमानगढ़ी के जस्ट पीछे साइड में, यहीं पे चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है, यानी निकासी द्वार, यहाँ पे निकासी द्वार का काम शुरू हो चुका है, तोड़ाई शुरू हो चुकी है, इसकी जो ये दीवार देख रहे हैं इसको बिल्कुल तोड़ के कंप्लीट कर दिया जाएगा और निकासी द्वार पुनः बना दिया जाएगा, वो एंट्री गेट रहेगा, ये एग्जिट गेट रहेगा। मैं चलता हूँ अब, अलविदा आप लोगों से चाहता हूँ और एक बार और कहना चाहूँगा मेरे चैनल को रवि शुक्ला UP42 को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आज तक मैं पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा। अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये अभी तो लगभग 100-150 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आने वाले समय में आप लोग के सपोर्ट से हो सकता है मैं अभी नीचे एक तरीके से बोल सकते हैं ऊपर पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। और मैं सिर्फ हिंदूवादियों के लिए बोल रहे हैं जो कट्टर हिंदू हैं, बाकी मुल्लों की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।